कि दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर इतिहास के में एक नई घटना घटित हुई है। अब तक भारत के अंदर का इतिहास रहा है पैसे से सत्ता बनी है और सत्ता से पैसा बना है। लोग 10-10 साल तक सत्ता से बाहर रहते हैं लेकिन सत्ता में कमाया हुआ पैसा कम नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्व से एक ऐसी पार्टी पैदा हुई, एक ऐसा नेता पैदा हुआ, एक ऐसी टीम पैदा हुई। 3.5 साल के लगातार सफल सरकार के संचालन के बावजूद आज सरकार मालामाल है और पार्टी कंगाल है। यह इतिहास दुनिया में किसी पार्टी का और किसी सरकार का नहीं रहा है। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आम आदमी पार्टी एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। आज आम आदमी पार्टी ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हमारे पास सरकार चलाने के लिए संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर राष्ट्र निर्माण की बुनियाद रखी जा रही है, नए भारत की बुनियाद रखी जा रही है, नए भारत के लिए जो नया नक्शा, नया मॉडल खड़ा किया जा रहा है, इस मॉडल को देश तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम सबको तय करना है, सारे पदाधिकारियों को तय करना है। अब तक एक ही मॉडल रहा है, सत्ता बनने के बाद सत्ते का सत्ता के पैसे से पार्टी चलती रही है। हम लोगों को आज तय करना है, सत्ता के पैसे से, बेईमानी के पैसे से पार्टी चलानी है या इस हिंदुस्तान के भविष्य के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, जैसे हम अपने लिए पैसा कमाते हैं ईमानदारी से, जैसे हम अपने परिवार को चलाते हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आज से इस बात का संकल्प लेना है, जैसे हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी को चलाना जो हमारा परिवार है आज से वो भी हमारी जिम्मेदारी है। ये इस बात का फैसला हमें करना। और इसलिए लड़ाई जिस तरह से चारों तरफ देश में बढ़ रही है, आजादी 1947 में देश को मिली, 1947 में देश जब आजाद हुआ, राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी थी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र निर्माण की जगह खानदान के निर्माण का काम किया और उस खानदान निर्माण के अभियान में इस हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया, नौजवान बेरोजगारी में जूझने लगा, किसान आत्महत्या करने लगा, मजदूर घुट घुट करके जीने के लिए मजबूर हो गया। देश ने सोचा कि शायद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रूप में शायद राष्ट्र का निर्माता एक सामने आ रहा है। लेकिन अफसोस है इस बात का, जिस देश को बर्बाद करने में कांग्रेस पार्टी सालों साल लग गया, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण तो दूर की बात, राष्ट्र को विध्वंस करने की तरफ पूरे देश को झोंका जा रहा है। ऐसे में आपसे कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन आज देश के सामने आजादी के शहीदों के सपनों के ऊपर नए भारत के निर्माण की, राष्ट्र के निर्माण की जो पूरे देश के अंदर बेचैनी है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और भाजपा से जो निराशा पैदा हुई है, देश के अंदर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी को हमें अपने कंधों पर लेनी है, नया भारत बनाने की जिम्मेदारी को हमें अपने कंधों पर लेनी है। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अब तक आम आदमी पार्टी को जरूरत पड़ने पर लोगों ने दिल से सहयोग दिया, लेकिन जिन जिन बड़े लोगों ने सहयोग दिया उनको परेशान किया गया, जो जो लोग सामने आए उनको तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन आज हम एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आप याद करो, भारत के अंदर, भारत में पहला संगठन बनाया महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध से पहले समाज का संगठन नहीं हुआ करता था। महात्मा बुद्ध ने पहले संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना की जो ताकत थी, बुद्ध ने कहा
बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। लेकिन बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं अगर इस भारत में सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हो तो राजा महाराजाओं के दम पर यह क्रांति आगे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए भिक्षुओं से कहा कि अगर सचमुच देश में क्रांति करना चाहते हो तो भिक्षामि देही सीखना पड़ेगा। और यकीन मानो, पूरे भारत का सबसे पुराना संगठन, सनातन संगठन, अगर आज भी जिंदा है तो भिक्षाम देही के ताकत पर जिंदा है। अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भिक्षाम देही। आज से आम आदमी पार्टी, यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को इस देश के निर्माण के लिए, लाखों शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए भिक्षाम देही के अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम सब लोगों को व्यवस्थित तरीके से हर महीने पार्टी में आर्थिक सहयोग की नीति को लाना पड़ेगा। और उसके लिए साथियों, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमने जो अभी अरविंद जी ने नंबर जारी किया है 9871101 01 01, इस नंबर पर आप सब लोग इस अभियान में जो भी सहयोग करना चाहता है, आप में से कोई भी, पूरे देश से कोई भी इस नंबर पर मिस कॉल देगा, हमारी जो टीम है, जैसा आपको बताया पृथ्वी रेड्डी जी के नेतृत्व में बनी है, वो टीम आपसे संपर्क करेगी, आपके सहयोगियों से संपर्क करेगी, और इस पूरे अभियान के लिए हम मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमें उम्मीद है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस सिस्टम के बनने के बाद, आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्र निर्माण का दिल्ली में मॉडल आगे बढ़ रहा है, पार्टी आगे बढ़ी थी दिल्ली में, हमने सरकार बनाई दिल्ली में, हम सरकार चला रहे हैं, पार्टी को आप मजबूत करो, पार्टी देश में आगे बढ़ेगी और देश में राष्ट्र निर्माण के सपने को पूरा करेगी। आपका दान राष्ट्र का निर्माण, इस मिशन को लेकर के हम आज से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।